महाराजा रणजीत सिंह की विरासत नू जे असी इस तरह गवालांगे भी की सी ओ फिर साढ़े कोल कुछ नहीं रहना। जिहड़े साढ़े पढ़े लिखे विद्वान वो भी कौम नाल गदारी करके अखीर नू उस हकूमत दे पक्ष च जाके खड़े होंदे रहे। दीप सिद्धू ने मुड़के वो जज्बा फिर कायम, नवीं पीढ़ी नू नहीं पता संत की, पातशाही दावा की, होंद का मसला की। लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी पैनी है, बड़ा कुछ होना, बड़ा खून डोलना। यह जे मन चो जिहड़ियां हैगे ना भुलेखे भी असे मौज नाल आओ वोट पा लो जी, रेफरेंडम कर दिओ जी, ऐ राज कितें दुनिया च ऐ नहीं बणदे। दुनिया च राज आए चले गए, आउणगे चले जाण, उन्हां राज्यां च सानू रहना पै सकदा है। पहले गुरु भी जंग लड़ सकते सी, ये नहीं कि किसी गुरु दे विच कोई समर्था नहीं सी, पर एक जिंदगी दा निजम भी है। तां गांधी आके पता की कहिंदा है, कहिंदा अजे वड्डा गुरद्वारा आजाद करवाउणा बाकी है। तो वड्डा गुरद्वारा की है? देश। गुरद्वारा छोटा हो गया, देश वड्डा हो गया। अज कल खास करके कामरेड बिरती वाले बंदे, कुछ मिशनरी बिरती वाले बंदे, कुछ आधुनिक जिहड़े विचार विद्वान है उन्हां दे विचारां हेठ आ के महाराजा रणजीत सिंह दे उत्ते बहुत आलोचना टीका टिप्पणी करते। जुगो जुग टल दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच सवाए मान गुरु प्यारी साध संगत जी, दसम पातशाह बणो बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। गज के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असी यह सिलसिला एक लड़ी शुरू की जा फैसला किया कि सैमीनारा की एक लड़ी शुरू की जाए, उदों साढ़े सामने जिहड़ा विचार सी वो ये सी कि जमीनी पद्धर ते तां सरगर्मियां चलदियां रहणगियां, चलदियां रहियां, पर सरगर्मियां किन्नियां भी क्यों ना चली जाण, असी किन्ने भी संघर्ष क्यों ना लड़ लिए, जे साड़ी सोच पूरी निखरी हुई नहीं हो, साड़ी दिशा सही नहीं हो, साड़ा युद्ध नीतक निशाना की है, असी हासिल की करना है। क्योंकि लड़ाइयां छोटियां भी लड़ियां जांदियां ते लड़ाइयां बड़ियां भी लड़ियां जांदियां। कई बार छोटियां लड़ाइयां लड़दियां बड़े उद्देश अखां तो ओले हो जाते हैं। सो कौम हौली 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 उन्हां छोटियां लड़ाइयां दी आदी भी हो जाती है ते आपदा निशाना भी मना दे विचों धुंधला पै जांदा है। ये वापरिया है। सो इस प्रसंग दे विच जिहड़ी संगरूर लोक सभा की चोण हुई है, ये तो हुण तत्थ आपां कोई नहीं झुठला सकता कि वह चोण तो भारत के संविधान अधीन ही हुई है। तो भारत का संविधान जिहड़ा वो साढ़े पातशाही दावे नूं कबूल नहीं करता, उन्हूं प्रवान नहीं करता, उन्हूं मानता नहीं दिंदा। उत्थे मानता भारतीय संविधान की है, जिथे सहु चुकनी पऊ वफादारी की वह उस संविधान प्रति हो। साडा कोई नुमाइंदा जाके उत्थे ये नहीं कह सकू कि मेरी वफादारी मेरे गुरु नाल है जां अकाल पुरख नाल है, ये किसी कागज़ के टुकड़े नाल नहीं। सो एक सच तो ये है। फिर इन्नी खुशी, इन्नी जय जयकार करन दा की मतलब जिहड़ी जित होई, एक कुंडी भी सानू समझ लैनी चाहीदी है। ये जित छोटी नहीं, इहदे अर्थ वड्डे, भावें कि भारत के संविधान के दायरे च ही होई है। सो इस बारे मेरा जो मैनू हुक्म होया जदों असी विषयां दी वंड कीती आपस विच ही, उहदा इह सी कि इस पक्ष बारे
थोड़ा संगत नाल विचार सांझे किए जान, क्योंकि गल उ है कि जे साडी सोच दे विच पूरी स्पष्टता नहीं तो साडे च दृढ़ता भी नहीं आउणी। कदे इधर नूं डोलांगे कदे उधर नूं डोलांगे। ये बहुत जरूरी है कि साडी सोच पूरी क्लीयर होवे। इस करके असी इस मंच का नाम भी सोच रखिया है भी सैमीनार उस बैनर हेठ ही असी कर रहे हैं। बाकी जथेबंदी कौन है, की है, की कर रही है, वो साडा कोई सरोकार नहीं, ना असी उस मामले सीधा उलझना चाहते हैं। साडा जुम्मा तो यही है कि असी वो गल्लां जिहड़ियां पिछले समय दौरान जिन्होंने नौजवानों टुंबिया कि ना हो कि कुछ चिरत वास्ते तो वह असर हो मुड़ के मना तो असर ले जी। ये वापरदा जिंदगी इस तरह निजम है जिंदगी का। सो इस करके असं ये जित दे अर्थ की बनते हूँ। जितों तक तो पातशाही दावे की गल है वो अर्थ बड़े स्पष्ट है। किसी भी सिख को कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए कि पातशाही दावे का मतलब यह है कि सिख जड़ा है वो अकाल पुरख तो बिना होर किसी भी दुनियावी ताकत के अधीन नहीं हो। वो इको की अदानगी प्रवान कर प्रवान करता है अकाल पुरख की। दुनिया च राज आए चले गए आउणगे चले जाणगे, उन्हां राज्यां च सानू रहना पै सकता है, फिर उत्थे विचरना किवें आ सी कि एक पासे जिहड़ी साडी पातशाही का दावा साडे दिलां च पक्का रहना चाहिए, असी उहदे वास्ते यतन करना है, उत्थों तक पहुँचना है, पर उत्थों तक पहुँचने वास्ते बड़िया विधा बनाउणियां पैंदियां, बड़े तरीके बड़े दापेच बड़े पैंतड़े अपनाउणे पैंदे ने। तो कित ना हो भी असं पैंतड़ियाँ ही गुआच के रह जाइए तो निशाना साडा मना दे विचों निकल जाए। सो पातशाही दावे की गल जो साडे ये कह लो कि दसां जामियां दे विच रब्बी जोतां ने सिख की जो रचना की है वह की है इस तरह कि वह किसी भी दुनियावी सतह की अधीनगी जां गुलाम नहीं। वो सिरजे ही इस तरह गया है, जन्म तो ही वह सुतंत्र है, उहदी जे कोई वफादारी है तो वह अकाल पुरख नाल है, किसी दुनियावी ताकत नाल नहीं। इस बारे सानू कोई रौला नहीं होना चाहिए। इस करके बाकी धर्मां दे विच इक्को ही पैगंबर होया, नवां धर्म चलाया इक्को ही पैगंबर ने, उदों बाद सिलसिला नहीं चलिया। इत्थे बिल्कुल एक न्यारा अमल चलिया कि एक जामे च नहीं यह दस जामे च कम करना पिया, क्योंकि जिथों तक बंदे नूं पहुँचाउणा सी संपूर्णता तक कि उहदे च कोई भी कान कसर ना रह जाए, बस वह पूर्णता तक पहुँचाउण वास्ते एक जामा काफ़ी नहीं सी। वैसे हर गुरु सब कुछ करन दे समर्थ सी, पहले गुरु भी जंग लड़ सकते सी, ये नहीं कि किसी गुरु दे विच कोई समर्था नहीं सी। पर एक जिंदगी का निजम भी है कि कदों जंग का सवाल आना है इतिहास, उहदे वास्ते पहलां तैयार कित्थों तक ले जाना है, आत्मक तौर पर उहनूं किवें बलवान करना तां कि जदों उहदे हथ दे विच तेग आवे वह तेग किसी मजलूम ते ना उठे। दुनिया का सारा इतिहास यही पै जिहदे हथ च भी ताकत आई है उहने जुल्म करन बाज नहीं आया। ये चीज़ ही ऐसी है। सो ये सी कि अजिहा बंदा सिरजना, अजिहे मनुख सिरजने जिन्हां कोले ताकत भी हो तेग भी हो, पर वह तेग जरवाणे के खिलाफ ही उठू, वह मजलूम के खिलाफ नहीं, तो वह अमल पूरा करना पैना। सो इस करके साडी रचना इस तरह ही हुई है। इस सेहत ते चलदिआं गुरुआं दे जिस्मानी तौर पर तुर जाण तो बाद खालसा इस स्पिरिट ते जज्बे नाल ही लड़िया। एक सदी लहू डोलना पिया इस धरती ते, उदों भी समझौतियां दीआं पेशकशां होईआं,
पर उन्होंने कोई समझौता अजिहा प्रवान नहीं किया। नवाबियां दियां पेशकशां सीगियां, सूबेदारियां दियां पेशकशां भी सी, पर गल एक सी कि तुसी मुगल दा तख्त है उहदी अधीनगी कबूल कर लो। सो इक्को बार सिखां ने नवाबी की पेशकश मंजूर की है, ना उदों ये शर्त ला के कि नवाब कपूर सिंह कदे भी दरबार दे विच पेश नहीं हो। कोई नवाब इहोजा नहीं सी जिहड़ा बादशाह दे दरबार च जाके नतमस्तक नहीं हुंदा सी। उत्थे जाके उह आपदा जिहनूं रेवन्यू कहिंदे आ उह दिंदा सी जाके, जो सरमाया बनता जिन्ना इकट्ठा करके उगरा के। उत्थे ये शर्त सिखां ने लाई कि नवाबी लै लांगे, ये शर्त ते ना असीं उत्थे जाणा ते ना तुहानूं कुछ देणा। सो ये है कि हुण इहदे विच्चों इक साडे वास्ते सेध बनदी है कि जदों समझौता भी करना है उदों किहड़े धर्म की तुसीं पालना करनी है। ये सदा साडे वास्ते अगे लम्मा एक उदाहरण पेश कर गए। सिख इतिहास का कोई भी कांड एवें नहीं बिना अर्थ तो। हर कांड जिहड़ा वापरिया, हर जिहड़ी घटना वापरी है उहदे पिछे कोई डूंघे अर्थ। वो डूंघे अर्थ जदों नहीं फड़े जाते तो बंदे फिर उदाहरण देंदे कि 18वीं सदी विच तो सिंघां ने समझौता कर लिया सी, जे राजीव गांधी नाल लौंगोवाल ने कर लिया फिर की हो गया। सो वो मैं दसदा इत्थे वो समझौता की सी, ये समझौता की सी। ये साडे आदत बहुत पैगी इतिहास चो चीज़ां लभ लभ के आपदे मतलब दियां उहनूं फिर इस तरह भगताउणा, वो सारी गल दी आत्मा नूं ना समझना ते उस इक घटना नूं आपदे हितां वास्ते आपदे गरजां वास्ते वरतण दा यतन करना। सो एक सदी सिंघां ने बस सीस ही दित्ते है कि सत्ता लैणी है पर गुरु दे आदेशां ते आदर्शां अनुसार लैणी है, झुक के नहीं लैणी। कोई उहदे चों वाधा घाटा नहीं वी इन्नी क अंश इन्नी क उहदी तुसीं कबूल कर लो इन्नी क साडी। कोई इत्थे जमा तकसीम का हिसाब किताब नहीं सी, पूर्ण बादशाही। सो बहुत जुल्म होए, बड़ियां कुर्बानियां होईयां, अंतम तौर पर वह राज स्थापित किया ते उस राज दी उदाहरण दुनिया के सामने सदा वास्ते कायम करती। जे वो राज साडे कोले ना आया हुंदा सानू साडा दावा जिहड़ा पातशाही दा राज दा दावा वो करना बड़ा औखा सी। हुण साडे सामने एक उदाहरण पेश होगी राज ते वो भी किहो जिहा जिहनूं अज तक दुनिया मन्नण लग गई, पहलां तां असीं कहिंदे सी। सो मैं बहुता विस्थार च नहीं जाता, मैं ये कहना कि वह जिहड़ा राज लिया सी वह गुरु के आदर्शों अनुसार ही लिया सी ते गुरु के आदर्शों की पालना हुई। अज कल खास करके कामरेड बिरती वाले बंदे, कुछ मिशनरी बिरती वाले बंदे, कुछ आधुनिक जिहड़े विचार विद्वान है उन्होंने विचार हेठ आ के महाराजा रणजीत सिंह के उत्ते बहुत आलोचना टीका टिप्पणी करते, उहदे आचरण के कुछ गल्लां नूं लैके। मैं कहना महाराजा रणजीत सिंह च खामियां हो सकदियां, भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार, इसका कहना ही है। वह गुरु नहीं सी, वह साडा राजा सी, नेचरली उहदे च कुछ ना कुछ तो कमजोरियां होणगियां, नहीं तो उहने गुरु बन जाना सी, उहदा तां इतिहास च रुतबा बहुत ही वड्डा बन जाना सी। पर यह एक चीज़ हुंदी है जदों तुसीं किसी दीआं खामियां दी गल भी करनी है एक सही प्रपोर्शन सही अनुपात रखना पैंदा है कि उहदे गुण किहो जे सी ते उहदे औगण किहो जे सी ते कुल मिला के उहदा मुलांकण की बनता है। ये बंदियां ने जदों एक धार लैंदे आ वी मैं इहदी विरोधता करनी है, फिर उहदे छोटे छोटे औगणां जां गल्लां नूं चुक के
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੱਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਜਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ 1849 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਸਿੱਖ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਨਾ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ 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 ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਖੂਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡੇਢ ਸਦੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਹੀ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਤਿਆਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈ, ਵਡੱਤਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗੈਰਤਾ ਗਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉੱਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਂਹ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। 1849 'ਚ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਕਰੈਂ ਜਾਂ ਲੜ ਮਰੈਂ, ਸੋ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਰਹੇ, ਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੇਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਤਾਂ ਲੈ ਮਾਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ, ਕੌਮ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਉਹ ਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ। ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੁਤਬੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟੋਡੀ ਜਾਂ ਟਾਊਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਜੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੀ,
ते कौम दे खिलाफ साथो जो मर्जी गुनाह वो करवा लो, वो आपां नूं पता ही है। सब तो बाद दा फूल के बाबा अल्लाह सू तो शुरू हो के लगातार अज ही खबर पढ़ी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं वो देश का उपराष्ट्रपति बना रहे। बस इन्हां दे विच लालच आ सुभा है, सब जमीर भी बेच देंगे, कौम भी बेच देंगे, गुरु नूं भी भुल जाएंगे। कोई धर्म नहीं, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कुछ मिले बस। वो जिहड़ा भुस पै गया ना, जिहड़ी भुख पैदा होगी, उहदे चों एक मौके वो गुटका साहब फड़ के झूठियां कसमां भी खा सकदे न, फिर ये भी शर्म ला सकदे भी छड्डो हुण गुटके नूं भी छड्डो, सीधे ही पार्टी च जांदे आ। सो ये जिहड़ा सिलसिला चलिया कि सिख दे मन चों जिहड़ा पातशाही दावा सी वो कुछ वर्ग दे मन चों निकल गया, तो उन्होंने समें दियां ताकतां दी अधीनगी गुलामी कबूल करके अब दियां छोटियां छोटियां सरदारियां ले लिया। सो मेनली ये वर्ग सी, यही पढ़े अंग्रेजां दे राज अधीन, इन्हां नूं मौके मिले जां कुछ होर भी दरमियानियां जमातां चों बंदे पढ़े, वो जिहड़ी पढ़ाई उन्होंने दित्ती वो मिठा जहर सी। भी साड़ी जो एक रवायती ज्ञान सीगा जिन्हों असी कहीए गुरु घर की विद्या, उन्हों भुल के जिहड़ी दुनियावी विद्या उहदी बढ़त्तण दा मन च बन गया किते, क्योंकि पदवियां उहदे नाल मिलनी है, बड़ा अफसर बनना है तां उहदे नाल मिलना है। दुनियावी पढ़ाई च थोड़ी लियाकत की है? सो उस पढ़ाई ने भी असर किया, तो फिर उहदे विच्चों भी जिहड़े साडे पढ़े लिखे विद्वान है वो भी कौम नाल गदारी करके अखीर नूं उस हकूमत दे पक्ष च जाके खड़े हुंदे रहे समय समय। पर जिहड़ा दूजी धारा सीगी वो खत्म नहीं सी होई कदे, इहो जिहे दौर आए जदों बहुत कमज़ोर पै गई चल। सो मैं इत्थे विस्थार च नहीं जांदे, आपां है तां बड़ा लंबा सिलसिला चलिया, आपां इह कह लो कि इह 1947 तक चलिया। इस करके 1947 च जो एक मौका मिल गया सी, जदों एक ताकत जिहड़ी आपदा राज छड के जा रही है, एक खलाह पैदा हुंदा किहदा हुण लाहा लिया जा सकदा, पर उदू पहला मन इन्ने कमज़ोर कर गए सी, वह साडे बंदियां दे, साडे राजसी आगूआं दे, साडे विद्वानां दे, कि वह मौके की वरतों ना कर सके। हालांकि मुसलमान आगू जनावरी कहिंदे रहे तरस पछताओगे, तुसी इन्हां नूं गुलाम ही देखिया, तुसी इन्हां नूं हाकम नहीं देखिया, पर किन्ना तिजे कि उन्होंने कहता जदों देश आजाद हो गया सिख भी नाल ही आजाद आ, गल ही कुछ नहीं। मतलब गांधी ने ननकाणा साहब के साके तो बाद, चाबियां के मोर्चे तो बाद, जदों सिख खुशियां मना रहे अपनी प्राप्ति दे उत्ते कि साड़ी जित हो गई बड़ी, असी गुरु दे जिहड़े गुरद्वारा साहब न, गुरु दे घर न, वो आजाद करवा ले, तो गांधी आके पता की कहिंदा है? कहिंदा अजे बड़ा गुरद्वारा आजाद करवाना बाकी है। तो बड़ा गुरद्वारा की है? देश। गुरद्वारा छोटा हो गया, देश बड़ा हो गया, पता ही नहीं लगे गल किड्डी है। तुसी अज सोच के देखो, साडे गुरद्वारे नालों धरती का कोई टुकड़ा बड़ा हो सकता है? वो गुरद्वारा कोई एक साधारण इमारत थोड़ा, कोई उत्थे गुरु प्रकाश है, उत्थे केड़ी कोई दुनियावी ताकत तो वड्डी हो सकती है? पर कौम नूं नहीं पता लग गया। जिहड़ी मैं किताब लिखी ना, किस विद रुली पातशाही, उदों बंदियां नूं बड़ा इतराज़ लग्या कि इह बड़ी निराशा वाली गल है। मैं उदों भी कहा सी निराशा वाली नहीं, सिखण वाली गल है,
आ रुली गई ना जो तुसी देश नू वड्डा गुरद्वारा कहता तो आपदे गुरद्वारियां नू छोटे कहता। जो दर्जाबंदी ऐ होगी फिर केड़ा बंदा जिहड़ा कहू मैं छोटी चीज़ वास्ते लड़ना मैं तो वड्डी वास्ते लड़ू। और एक हथ नाल खब्बे नाल उन्होंने एक चक के दूजा उपर लिया के रखता तो सिखां नू नहीं पता लग गया। सो जिथे पातशाही दावा किवें रुलिया पात साडी जिहड़ी किस विद रुली पातशाही वो इस तरह रुली साडियां तरजीह ही बदल गई। बस फिर उन्होंने की औखा सी देश आजाद हो गया उन्होंने कहता बस ठीक है हुण देश आजाद हो गया देश के नाल तुसी भी आजाद हो गए तुसी देश तो पासे थोड़ा। पर कुछ आवाज़ां उठियां सरदार सुरमुख सिंह चवाल ने शरेआम ये गल उदों कही सी लिखी हुई पई है अखबार दे विच उहदी उस मौके की 1927 की जदों गुरद्वारा एक्ट बने जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है वह कहिंदा जदों इत्थे निजमे हो गया कि सिरां दी गिणती नाल फैसले होने हैं वोटां कीदियां वध है ते असी देश च 2% रह जांगे ते साडी किन्नी क बुक्कत रह जूगी जदों फैसले सिरां दी गिणती नाल होने हैं ते 2% दी ओह किन्नी क गल सुण लैणगे। प्रोफेसर पूरन सिंह ने भी कहा उन्हें चिट्ठी लिखी अंग्रेजां नूं कि खच्चर ते अरबी घोड़ा तुसीं ते इक्को बराबर रखते सारे एक वोट है जी। बस प्रोफेसर पूरन सिंह ने कहा सी भी जिहड़ियां बंदे रूहानी तौर ते जागृत नहीं वो तो भेड़ा उन्होंने वोट का अधिकार दे के की कर लोगे। पर किड्डी वड्डी खामी उस सिस्टम की तो उन्हें उंगल रखती सी। चलो असी उहदे च पै गए चली गया तो चली गया तो उन्हें साडी सोच नूं भी करप्ट किया। जदों सोच करप्ट हो तो किरदार भी डिगणगे किरदार नहीं फिर रह सकता। सो फिर जिहड़ा संघर्ष है उत्थे पातशाही दावा भुल गए वो है कि इसे संविधान के अधीन इसे भारत देश के अंदर एक सूबे सानू किस तरह राज करन दा मौका मिले। हालांकि उही संविधान राज्यां नूं अधिकार दिंदा ही नहीं सी। जदों संविधान कढ़िया उत्थे भी सिखां दे नुमाइंदियां ने रौला पाया कि सिख घट गिण धार्मिक घट गिणती है साडे संविधानक गरंटियां दिओ कुछ। वह कहिंदे भी इत्थे कोई हुण गरंटी नहीं हुण देश आजाद आ पुरानियां गल्लां भुल जाओ। पटेल ने यह कहा सी असीं आपदे संविधान नूं बदशकल नहीं करना चाहुंदे थोनू गरंटियां दे के किड्डे स्पष्ट सीगे जिहदे करके सिखां दे नुमाइंदियां ने दस्तखत नहीं कीते कि सिखां नूं इह संविधान मंजूर नहीं। उस मौके दस्तखत नहीं कीते 2 सालां बाद बिल्कुल भुल गए उही बंदे उस संविधान नूं मन के तुर पे नाल जिवें हुंदा ना नींद च कदे माड़ी जी अख खुली फिर बंद हो गई। सो सिखां दी हालत आ रही पता सी अंदर गल कोई पई है कदे कदे अख खुलदी सी पर फिर बंद हो जाती सी। कोई अजिहा नहीं सी आया जिहड़ा पूरी तरह जगा दे कौम क्योंकि बंदे आए राज सी आगू मास्टर तारा सूं तो लैके संत फतेह सिंह टौड़ा लौंगोवाल तलबंडी बादल ये सारे बंदे राजनीतिक से किसी की कोई अध्यात्मक कमाई नहीं सी किसी च कोई रूहानी चिणग नहीं सी अंदर इस करके वह अपने वोटों का इंतजाम तो करते रहे पर जिहड़ा कौम दियां अखां खोलणियां सी कि गुरु सानू की दे गया वो ना भुलो वो भुलाता। सो फिर
1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦਾੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੱਡ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ। ਟੋਟਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੋਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ, ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਟੌੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਹਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਗਾਤਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾ ਮਖਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਸੰਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜਾਇਆ। ਉਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜੀ 'ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਫਲਾਨਾ, ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਜਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੰਧਾਲ ਪਾਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਵਾਹਵਾ ਡੂੰਘੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਚਲੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਾਤੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ
जिहड़ी तकरीबन 10 साल चलती रही। उस लहर च किते कोई दुविधा नहीं सी वी असीं कादे वास्ते लड़ रहे। जे दुविधा हुंदी इन्नियां शहादतां नहीं सी हो सकदियां। अडोलता सी, स्पष्टता सी ते दृढ़ता सी, इस करके इन्ना जुल्म होया, इन्नियां शहादतां होईयां। वो राज लई लड़ रहे सी, नहीं लै सके तो वक्री गल है, तां हमेशा गरंटी कित्थे हुंदी। इस नाल थोड़ा छोटी हो गई वह लहर भी राज नहीं लै सकती। लै सकते सी जे इह जे लैने हुंदे, वो तो किन्नी बार उन्होंने पेशकशां कीतियां कि लै लो, वो कहिंदे इस तरह असी गुरू दे दर्शां मुताबक लैणा, थोड़े दायरे च रह के नहीं लैणा। सो यह जिहड़ी कमिटमेंट है गुरु दे नाल थोड़ी ना, गुरु नाल जिहड़ा हैगा प्रतिबद्धता, जिद्दे ये डोल जूगी सारा ईमान ही डोल जूगा। वो फिर अमरिंदर सिंह वर्गी पैदा होणगे, उहदे च लौंगोवाली जन्मणगे, बाणा भी होऊ उहनां दे, सब कुछ होऊ। गुरु ग्रंथ साहिब सामने बड़े मत्था टेकणगे, सब कुछ बाणी भी कंठ होऊ। पर इन्ना सिंपल नहीं हुंदा है। उन्हां दे बोल कौम नूं जगा नहीं सकणगे, बरगला सकणगे कुछ चिर वास्ते। इहदा बहुत फर्क हुंदा, कौम नूं जगाउणा ते कौम नूं बरगलाउणा। एक बार जदों कौम जाग पी, फिर वह बरगलाई नहीं जाऊ। सो यह सिलसिला चलिया 10 साल, खाड़कू लहर चली। खाड़कू लहर जदों खत्म हो गई, उस तो बाद फिर एक राजनीति ने मोड़ कट्टिया सिखां दी, फिर जिवें घूम के उत्थे आ गया, क्योंकि जुल्म बहुत हो गया। अज जिहड़े बंदे ना नौजवान, उन्हां नूं नहीं पता वो दिन किहो जिहे सी। अज तां बंदा आराम ना कह सकदा यार फिर की हो गया सी, इन्ना क्यों ऐ हो दब गए। वो दौर बहुत भैड़ा सी, उहदे च कौम च दुबारा लड़न दा हौसला नहीं रह गया सी। इस करके जदों सरदार सिमरनजीत सिंह मान जितते ने 1999 दे विच लोक सभा दी चोण, जदों इन्हां ने कहा ही मैं जे श्री साहब लेके ही अंदर जाऊँ ते ना जान दिओ, गई नहीं अंदर। हुण पैंतरा तो वह बहुत वड्डा सीगा वी थोड़ा कानून नहीं, साडा गुरु का कानून चलू इत्थे। पर कौम उदों उस रौं च नहीं सी, कौम हार चुकी सी, कौम टिकट का चाहुंदी सी। इस करके किन्नियां भैड़ियां मखौल किए गए संतां सिमरनजीत सिंह मान, ये हद तक जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा, हालांकि सारे अकाली आगुआं चों उहदे अंदर पंथक जज्बा सी, पर उहने भी ये कहा, कहिंदा उत्थे जा के गतका खेडणा। पर देखो सोच कित्थे तक जा डिगी। सो मान ये भी दौर आउंदे ने जदों तुहाडे पैंतड़े नूं कौम नहीं समझ सकदी, इहदा महत्व की है। सो उदों सरदार सिमरनजीत सिंह नकारे गए, मुड़ के पैर नहीं लगे भी ये तो फिर वह जे दिन लियाऊ, तो कौम वह जे दिन देखना नहीं सी चाहती। उस मौके अज जो माहौल पैदा होया, ये बिल्कुल ही वक्री कहानी है। अज जिहड़ी हुण नवीं पीढ़ी अगे आ गई है, वह बिल्कुल ही वक्रा माहौल है। वो पीढ़ी जिन्हें वह जुल्म झल्लिया सी, उहदे च किते ना किते मन दे विच दहशत दा परछावां लगातार पिया रहा। उठे कुछ ना कुछ कोशिशां कीतियां बंदियां ने, पर जे कहो ना भी मुड़ के फिर कोई लहर खड़ी कर लूगा, वो हंगारा कौम वालों मिलता नहीं सी। सो मैं जिथे कहा सी कि 1995 तो बाद एक राजनीतिक मोड़ कट्टिया कौम दी राजनीति ने वड्डा, वो फिर उत्थे वह जड़ी हैगी है सूबेदारी दी रियासत, आपां कह सकां सियासत लंगड़ी सूबेदारी,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਹੇਠੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਦੌਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋ ਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੀਪ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲ ਬੈਠੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਿਕ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਪ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਦੀਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗੇ,
वो सब झूठा है। तो इत्थे सच्चाई तो इमानदारी सी, होर रूहानीयत की है? जो तुसीं शीशे वर्गे साफ हो, बस ये नहीं उत्तों कुछ होर ते बिच्चों कुछ होर। पर संतां दी जिहड़ी सीगी रूहानीयत जां ये सच्चाई, वो बहुत छेती कौम ने प्रवान कर ली, क्योंकि कमाई वड्डी सी। असरूप अबाणा ते बाणी उहदा प्रताप सी, उत्थे कोई वो नहीं खड़ा होया। दीप कोले कुछ भी नहीं सीगा, जिन्हों आपां कहिंदे ना हैंडीकैप्ट, दिसी जांदा किते वी जर उहदियां गल्लां दा इन्ना असर हो रहा, बंदे झूने जांदे। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਤਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਰੂਪ ਸਜਾਏ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਗਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਬਿਥਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਲਾਏ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਨੇ, 3 ਦਿਨ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਐਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ, ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਕੁੱਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਢਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦਮ ਵੀ ਡੋਲਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਬਸ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਲੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦੀਪ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਜੇ ਖੇੜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੂਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਰੈਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਸੀ। ਸੀ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਢਾਡੀ ਖੜਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ 12 ਹੀ ਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ।
सो ये गल्लां वापरन गईयां। सो मेरा कहण तो यह भाव सी कि दीप सिद्धू ने आके पातशाही का दावा जिहड़ा सी ना वह लोगों की आम चेतना का अंग बनाता। कोई लम्मा चौड़ा बख्यान नहीं, थोड़े शब्द बोलता तो थोड़े चिर च ही वह थोनों चाह दें। फिर यह भी कोई दुविधा नहीं भी फिर अस चोण लड़नी है कि नहीं लड़नी। एक कमजोर मना दे मना च यह जे सवाल खड़े होंगे लड़नी है पर असी आपका निशाना नहीं भुलना। वो कहिंदा सी कहिंदा इलैक्शन लड़नी तां जरूरी है साढ़े कोले एक ठप्पा भी चाहिए इलैक्टेड मैंबर का। इसे मान साहब नूं अमरीका वीज़ा नहीं दे रहा, जदों ये MP बन जू इनू डिप्लोमैटिक वीज़ा आपदे आप वीज़ा लैण की लोड़ नहीं। ये किसी पार्लीमेंट जा सकता, किसी एम्बेसी जा सकता, किसी यूनिवर्सिटी जा सकता, वो पिछे मानता मिल गई बस इन्नी क्या कहना गल एदू वड्डी नहीं। तुसी ये कहो भी हुण साडे अही राज आ जूगा, ये भुलेख्या च ना पाओ। जिद्दे उन्होंने लग्या कोई खतरा हो तां मतलब मिंट लाउणगे एलीमीनेट कर लूँ। कोई भी है स्टेट के खासे नू कदे ना भुलो। बड़ी बेरहम है ते उदा दिल दुल है नहीं कोई, तो कोई भी क्राइम कर सकते हैं कोई भी। सो ये हुण तुसी सिद्धू मूसे वाले का कहण नू तो यह है भी वह गैंग बार च मारिया गया, एक भुलेखा तो भुचलावा तो खड़ा हो गया ना कौम के मन च। हुण सानू वो ये भी मौके नहीं देणगे भी थोनू मौज ना कोई शहीद कह दे जां उन कौम प्रवान कर ले। 100 किस्म दीआं बहसां चल पैणगीआं। दीप सिद्धू की मौत भी इन्ने शक्की हालतां च होई इहदी। सो इन्हां चीज़ां की परवाह ना करो। ये गल दुबारा जगाई दीप सिद्धू ने ते मूसे वाले ने जिमें नाल ढाई जोड़ देनी हुंदी है ना। मेरा ख्याल मालवे वालों नूं वध पता जदों सण दा मेरा ख्याल उदों रस्सा वटदे हुंदे सी ना, रस्सा वटिया जा रहा उहदे नाल वी आ जोड़ आ जोड़ आ जोड़ उहने आ के वह जोड़ती गल। तो उहदा आह गीत उदे ही रिलीज़ होया जिद्दे वोटां सी, रिलीज़ नहीं होया चोरी लीक होया। उदो वो लीक होए गीत नहीं देख किन्ना फर्क पाता। सो ये नौजवानों दे रोल नू घटा के ना देखो। बाकी जिहड़ियां लहरां हुंदियां ना लहरां उहनां दे अड अड दौर हुंदे आ। एक दौर हुंदा है जदों शुद्ध ते निर्मल धारा वग रही हुंदी है बस। मिसलां दे जमाने च ओह सी पूर्ण गुरसिखी मिसलां दे मैंबर हुंदे सी, ओही लड़दे सी। जदों बंदा सिंह बहादुर आया पंजाब च उहदी फौज दैट वे गुरसिखां दी फौज नहीं सी, उहदे च बड़े लोग बहीरां कत कत के शामिल हो। जिवें दरिया जदों वगदा है ना तुसीं देखो उहदा पाणी किन्ना निर्मल ते शांत हुंदा है। जदों उसे दरिया च हड़ आउंदा है उह कित्थों तक फैलदा ते उह किन्ना कुछ रोड़ के आपदे च जज्ब करदा है तो पानी उन्ना साफ भी नहीं रहिंदा। उदो केंद्र दे विचों धारा जरूर साफ रहूगी, आला दुआला बड़ा वो गंधलिया होया हो पर वो दरिया का हिस्सा ही है। ये गल ना भुलो जदों लहरां च जोर फड़दा है खाड़कू लहर का जिहड़ा शुरुआती दौर है वो बहुत निर्मल ते शुद्ध बंदे आए सी, बहुत ही निर्मल जिन्हां ने गल तोरी ते उहदा मोमेंटम बनाया एक वेग बनाया। हौली हौली जदों लहर ने जोर फड़िया एक वड्डा बहन बगिया, वह बहन उन्ना निर्मल नहीं रहा सी। इह सच है कदे भी नहीं रहिंदा हुंदा। थोड़े बंदे तां ठीक रह जाणगे जदों उहने वड्डी गिणती आउणी है ना, पर तुसीं उहदे आधार ते उह लहर दी ते कालख नहीं फेर काटा नहीं फेर सकते। सो इतिहास साहब दे मिजाज बदलता रहिंदा। कदे संतां वाले बंदे आउणगे शुद्ध सूरमे
जिन्हां बारे कोई सवाल ही खड़ा नहीं हो, तो कदे होर तरह के बंदे भी लहर के आवगे जिहड़े वड्डा रोल प्ले कर जाणगे। सो मन के दरवाजे जिहड़े है वह खोलो थोड़े जे, बाहां भी चौड़ियां करके बिच सब नूं कला विच लैके तुरन दी जात सिखो। लड़ाई बहुत वड्डी लड़नी पैनी है, बड़ा कुछ होना, बड़ा खून डुलना। यह जे मन चो जिहड़ियां हैगे ना भुलेखे भी असे मौज नाल आओ वोट पा लो जी, रेफरेंडम कर दिओ जी, ऐ राज किते दुनिया च ऐ नहीं बनते हो। इंडियन स्टेट का करैक्टर ना भुलो तुसीं, इत्थे तां सिर दे के ही राज लैणे आ। ते दीप सिद्धू ने मुड़ के उह जज्बा फिर कायम, नवीं पीढ़ी नूं नहीं सी पता संत की, पातशाही दावा की, होंद का मसला की। देखो कामरेडां दी इक बिल्कुल फसलां दे भावां तक लड़ाई छोटी जी बना के किड्डा उह कर रहे सीगे, ते कल्ले बंदे ने 32 जथेबंदियां नाल टक्कर लई, कल्ले किन्ना बदनाम किया गया उहनूं की जिहड़ा उहदे नाल खड़दा सी साडे अरगे। एक बार तो जौना दुब्बर करता सीगा, ऐं वापरदा हुंदा अपने उहनूं होर चिणग लाई। बस उहनूं आपां जगदा रखीए ते मगदा रखीए। ये साडे सैमीनारां दी इन्नी इक साडी अटैम्प्ट सीगी वी आपां कलैरिटी नाल, स्पष्टता नाल ते दृढ़ता नाल चलीए, किसी भुलेख्या च ना पो, किसी गल च उलझो ही ना, बस तुरो इस तरह मस्त तौर जिवें हाथी जो कहिंदे हुंदे ना कुत्ते भौंकदे रहण दे। ये सिख नूं अज सिखां नूं सिखणा पैणा। बहुत कुछ वापरू जिहड़ा तुहानूं राह दे विचों पछलाउण दे कोशिश होणगे। सो मेरा ख्याल समां बहुत हो गया, 8 ही बजण लगे न। सो इन्नियां क विचारां प्रवान करिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।